चक्रपानपुर नरेथा में आदर्श नर्सिंग होम का हुआ भव्य उद्घाटन। आजमगढ़ जनपद के चक्रपानपुर नरेथा में आदर्श नर्सिंग होम का भव्य तरीके से उद्घाटन किया गया। इस उद्घाटन कार्यक्रम में क्षेत्र के बहुचर्चित लोग उपस्थित रहे। इसमें मुख्य रूप से पूर्व मंत्री और MLC यशवंत सिंह, आजमगढ़ जनपद के भाजपा जिला अध्यक्ष कृष्णपाल, आजमगढ़ मऊ के MLC विक्रांत सिंह रिशु आदि लोग उपस्थित रहे। नर्सिंग होम में आधुनिक तकनीक की मशीनें लगाई गई हैं, जिसमें मरीजों को किसी भी तरह की जांच और संबंधी रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस नर्सिंग होम में अनुभवी चिकित्सक 24 घंटे मौजूद रहेंगे। मरीजों को इमरजेंसी सेवा आसानी से प्राप्त हो सकेगी। यहाँ पर आधुनिक तकनीक से लैस ऑपरेशन थिएटर बनाए गए हैं। यहाँ हर प्रकार की जांच आधुनिक मशीनों के द्वारा की जाएगी। साथ ही फिजियोथेरेपी से संबंधित नई तकनीक की मशीनें भी लगाई गई हैं। इस नर्सिंग होम के संस्थापक वंश बहादुर सिंह ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि इस संस्था की देखरेख हमारे पुत्र राहुल सिंह करेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी हार्दिक इच्छा थी कि इस ग्रामीण अंचल में भी आधुनिक तकनीक से लैस अस्पताल बनवाया जाए, जिससे लोगों को इधर उधर भटकने की जरूरत न पड़े। हमारी सोच ये भी है कि हम क्षेत्र में जो भी लोग इलाज करने के लिए बाहर से आते हैं, उन्हें बाहर जाने की आवश्यकता न हो, और जहाँ तक हो सके मैं उनकी सहायता हर तरह से करने के लिए तैयार हूँ। हमारी बहुत सी और संस्थाएं हैं, उन्हीं संस्थाओं में से एक नई संस्था आदर्श नर्सिंग होम का आज उद्घाटन किया गया है, तथा आगे भविष्य में वो इस अस्पताल को गरीबों और कमजोर लोगों की मदद के लिए पूरी तरह से सहयोग करेंगे, जिससे उनके इलाज में किसी तरह की कोई समस्या उत्पन्न न होने पाए। इस मौके पर क्षेत्र के तमाम लोग मौजूद रहे। देखिए, हमारे समाज में एक कल्पना है कि हमारा समाज भी स्वस्थ रहे और हमारे नागरिक भी स्वस्थ। इस दिशा में जो जागरूकता बढ़ी है वो बहुत ही सराहनीय है। यह चक्रपानपुर के और पंडित राहुल सांकृतायन के नाम से जाना जाता था, लेकिन संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज जो बना है, जिसको PGI के नाम से जानते हैं, आम चर्चा में संजय गांधी कहते हैं, लेकिन उसके बाद आप देख रहे हैं जितना भव्य तरीके से इस ग्रामीण अंचल में दूसरी संस्था भी वंश बहादुर सिंह ने स्थापित किए, जो राहुल की देख रेख में शुरू हुआ है। आप इसको अपनी आंखों से भी देखे हैं, सारी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त। तो जब एक जगह पर कई अस्पताल, कई हॉस्पिटल स्थापित हो जाते हैं तो दूर दराज के लोगों को भी सुविधा होती है, और आपस में जो स्पर्धा होती है तो कौन बेहतर सेवा देगा, कौन बेहतर काम करेगा, वह भी प्रवृत्ति पैदा होती है। आज के इस दिन पर हमारी शुभकामना है कि जो अपेक्षा यहाँ के नागरिकों ने की है, तो परेशानी होती थी कि बनारस लखनऊ की यात्रा लोग करते थे, अब चक्रपानपुर में लोग बलिया, गाजीपुर, आजमगढ़ सभी जगह से लोग आते हैं, और इतना बढ़िया सेवाएं हों कि आमंत्रित करें मरीजों को, वो दूर दराज से आएं और स्वस्थ होकर जाएं, बस इतनी ही काम है। नाम बताए और आप ग्राम के प्रधान हैं? कुल प्रकाश सिंह, पूर्व प्रधान उमरपुर। राहुल संकटायन की धरती पे इतने बड़े अस्पताल का उद्घाटन आज हुआ है, आपको कैसा लग रहा है, और क्षेत्र की जनता के विकास के लिए और कैसी कैसी व्यवस्थाएं यहाँ पे उपलब्ध है? बहुत अच्छी व्यवस्था है, और आदरणीय राहुल संकटायन जी हमारे क्षेत्र के बहुत बड़े ही विकास पुरुष थे, और कह के गए थे कि यह चक्रपानपुर एक ना एक दिन लखनऊ बनेगा और दिल्ली बनेगा, और यह सपना जो है साकार होता हुआ दिख रहा है। और हमारे परम आदरणीय परम पूज्य श्री वंश बहादुर सिंह, जब से ये चक्रपानपुर में अपने 2005 में विद्यालय की नींव डाली, उसके बाद से इनके दिमाग में हर बार जो है गरीब गुरबों की भलाई और बड़े बड़े संस्थान, कम से कम 2,500 लोगों को रोजगार देने का इनका लक्ष्य रहा, और यह दिन प्रतिदिन आगे बढ़ती जा रही है व्यवस्था। और हम ये चाहते हैं, और पूरे क्षेत्र की तरफ से हम श्री वंश बहादुर सिंह को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। नाम बताएं और कहाँ के रहने वाले? नाम वंश बहादुर सिंह है। अच्छा। मैं यही बगल में सिंहपुर बाजार के पास रामपुरी गाँव है, 10वीं पड़ती मेन रोड। मेरी पहले से भी संस्थाएँ कई चल रही हैं। मेरा उद्देश्य यहाँ क्षेत्र में विकास करना शिक्षा की तरफ, इसके बाद मैं मेडिकल तरफ सोचा है कि बढ़ी हुई आबादी को कम से कम अपने रूप में हम उतर करके जन सेवा करें। आज इसके लिए मैंने कई चीज़ें सोचा है, हफ्ते में या दो हफ्ते में एक शिविर चला करके कम से कम गरीब आदमी के लिए कुछ मैं उपकार कर सकूं,
इसके लिए भी मैं बेहतर व्यवस्था देने का प्रयास कर रहा हूँ। हालांकि अभी हमारा प्रारंभ है, लेकिन हमारा सोच जो है यही है कि हम गरीबों की सेवा कर सकें। और हमने कई पैथोलॉजी की व्यवस्था की है, जैसे ओटी है, फिजियोथेरेपी है, और एक्सरे विभाग है ही है, इस अल्ट्रासाउंड है, मतलब तमाम व्यवस्थाएं अति आधुनिक सुविधाएं के साथ मैं सोच रहा हूं कि पब्लिक के बीच में अवतरित हूं। और देखिए ईश्वर कहां तक पूरा करते हैं, सोच हमारी बड़ी लंबी है, अब आगे जाकर कहां तक पूरी होती है ये तो भाई ये गार्ड नो। सर सर आपके हॉस्पिटल पे डॉक्टर कहां कहां से आएंगे? देखिए डॉक्टर हमारे कई हैं, एक तो हमारे रिश्तेदार हैं जो CMO सीटार में डॉक्टर आर्यन सिंह बढ़िया थे, उनकी देख रेख में चले गए। दूसरी चीज़ है एक बिहार से बुला रहे हैं, EMD रहेंगे कम से कम 4-5 परमानेंट, और जरूरत पड़ने पर हम देखेंगे। वैसे वीक में 1 डे या 2 डे 2 डेज के लिए और लोगों को बुला देंगे, लेकिन परमानेंट हमारे पास कम से कम 6-7 डॉक्टर और उनका स्टाफ रहेगा। सर पैसे के अभाव में गरीब लोग बहुत अच्छे अस्पताल में हॉस्पिटल इलाज नहीं करवा पाते, तो आपने इतना बड़ा अस्पताल खोला है, तो आपके लिए उनके लिए क्या फैसिलिटी उनके लिए फैसिलिटी है कि जो दवा है उसमें भी हम कुछ छूट देंगे, और जो डॉक्टर है उनकी फीस में भी रियायत करेंगे, उनके लिए अलग से हम व्यवस्था देंगे।